गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर टू के एक्सरसाइज टू का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर टू के थ्री एक्सरसाइज थ्री के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज थ्री में अपना पहला क्वेश्चन जो है उसमें कंपेयर करना है, दो नंबरों के बीच में हम कंपेयर करके बतलाना है कि कौन स्मॉलर है, ग्रेटर है या इक्वल टू है। जैसे इस साइन को हम करते हैं स्मॉलर है, यह साइन को पढ़ते हैं ग्रेटर दैन और इस साइन को पढ़ते हैं इक्वल। हम नंबरों को कंपेयर करते हैं तो इसके हाईएस्ट पैलेस से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। हाईएस्ट पैलेस में जिन नंबर के डिजिट बड़े होते हैं वह नंबर बड़ा होता है। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लाख पैलेस पर दोनों में वन है जो इक्वल हो। उसके बाद 10,000 पैलेस पर दोनों में टू है तो यहाँ तक दोनों सेम हुए। उसके बाद 1000 पैलेस पर यहाँ एट है, यहाँ भी एट है, यहाँ तीन पैलेस तक दोनों जो है नंबर सेम है। आगे किस पैलेस में बढ़ते हैं तो 100 पैलेस पर यहाँ थ्री है, यहाँ भी थ्री है, यानी यहाँ भी यहाँ दोनों सेम है। उसके बाद 10 पैलेस पर आते हैं तो 10 पैलेस में हम पाते हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, सॉरी 9 है, यहाँ पर 9 है। तो क्या होगा, किसके टेंस बढ़े हुए 128,395, यानी 128,395 ग्रेटर नंबर है और यह स्मॉलर नंबर है। तो क्या लिखेंगे, 128,355 स्मॉलर है, 128,395। तो इस तरह से कंपेयर करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है बाकी क्वेश्चंस का। आगे हम पढ़ रहे हैं इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए गए हैं। इनमें क्या करना है, सर्कल करना है जो नंबर सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। तो हम कंपेयर में कहते हैं कि यहाँ पर 1,00,000 है, यहाँ पर 1,00,000 है, यहाँ 1,00,000 है, यहाँ भी 1,00,000 है और 1,00,000 है। तो यह नंबर जो है सबसे बड़े होंगे, बाकी के लाख पैलेस सेम है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, 10,000 पैलेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 10 पैलेस दोनों चार बाकी चारों के नंबर सेम है। उसके बाद 1,000 पैलेस पर चलेंगे, यहाँ 1,000 है, यहाँ 0,000 है, यहाँ 0,000 है, यहाँ भी 0,000 है। तो क्या हो गए, यह नंबर जो है इन तीनों नंबरों से बड़ा हो गया, तो यह नंबर भी अपने खत्म हो गए। अब बाकी चलते हैं, बच गए 100 पैलेस। तो 100 पैलेस में यहाँ 297 है, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो 200 यहाँ पर सबसे छोटे हैं 400 और 900 से। इसका मतलब है कि 1,297 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हमने सर्किल कर दिया। तो इस तरह से कंपेयर करके नंबरों को सर्किल करना है। आगे जो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। नंबर दिए गए डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो क्या होते हैं कि मान लीजिए हमें डिजिट दे दिया जाए 5 डिजिट कि 2, 0, 5, 3 और 9, इनसे सबसे बड़े नंबर को फॉर्म कीजिए, यानी लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करिए। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं कि डिजिट को लार्जेस्ट टू एज स्मॉलेस्ट क्या कर देते हैं, अरेंज करके उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2, 0, 5, 3, 9 है, 9, 5, 3, 2, 0 यह लिखेंगे तो यह अपना लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा 9, 5, 3, 2, 0 यह अपना नंबर हो गया 95,320 जो सबसे बड़े नंबर हो गए। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए यही रूल है कि डिजिट्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर देते हैं, लेकिन अगर डिजिट में कोई जीरो हो तो जीरो को जो है लास्ट से सेकेंड पैलेस पर कर देते हैं। जैसे इसको हम छोटे से बड़े अरेंज करेंगे तो यह होगा 0, 2, 3, 5, 9, लेकिन हम जीरो को जो है
हाईएस्ट पहले इस 15 रख के ठीक उसके बाद वाले पर लिखते हैं यानी 20359 यानी 20359। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का वो फॉर्म करते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 5 लाख 99,999। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10,000 यानी 1/4। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस का मतलब सबट्रैक्ट कर देना, क्या होंगे 99,999 से 10,000 सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 99,999। तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज हुए। अगले एक्सरसाइज 4 में हमें राउंड अप के बारे में पढ़ना है, यानी किसी नंबर के टेंस में, हंड्रेड में, थाउजेंड में नजदीकी वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकते हैं। जैसे राउंड अप नियरेस्ट 10, 75 को नियरेस्ट 10 में अरेंज करना है, लिखना है, तो क्या होगा 1 या 7 जो है टेंस पैलेस पर, तो 7 में चेंजिंग आएगी। अगर 7 के बाद वंस पैलेस पर 5 या 5 से बड़े डिजिट है तो वह 110 के बराबर होंगे, अगर 5 से छोटे हैं तो वह 010 के बराबर होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वंस पैलेस पर क्या है, वंस पैलेस पर 5 है यानी 5 या उससे बड़े डिजिट होने पर 1 ऐड करते हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ पर 7 प्लस 1 यानी क्या हो जाएंगे, ये अपना नंबर 18। नेक्स्ट है 4250, इसे भी क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है। तो यह सॉरी 52 है, तो इसको नियरेस्ट 10 करना है, तो 10 पहले से अपना क्या है 5 है, 5 के बाद 1 पहले पर 2 है जो 4 से छोटे हैं जिनकी वैल्यू 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 42 50 0 = 4250। उसी तरह राउंड अप नियरेस्ट 100 करना है, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे 100 पहले पर 1 है, उसके बाद की डिजिट को देखेंगे, उसके बाद की डिजिट यदि 5 के बराबर या बड़े हैं तो 100 ऐड करेंगे, 5 से छोटे हैं तो उनकी वैल्यू बाकी डिजिट की 0। यहाँ पर 10 जो है 5 से बड़े हैं इसलिए यह अपना नंबर हो जाएगा 2700 प्लस 100 बराबर 2790, यह हो जाएगा 27,900। सेम है यहाँ पर भी देखेंगे 100 पहले स्टार्ट हुआ है, उसके बाद की डिजिट क्या है जो 5 से छोटी है, तो इनकी वैल्यू जो हो गई क्या हो गई 0, यानी क्या लिखेंगे 7800। नेक्स्ट है राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 करने के लिए 1000 पहले को देखते हैं, 1000 पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद की डिजिट 5 से बड़ी है इसलिए यहाँ पर 1000 ऐड करें, यानी 54000 प्लस 1000 यानी 55000। नेक्स्ट में देखते हैं 1000 पहले स्टार 8 है, उसके बाद वाली डिजिट क्या है 5 से छोटी है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0000 यानी 7 क्या हो जाएंगे ना 7,01,000। तो इस तरह से हम नियरेस्ट 10,100 करते हैं। इस तरह से अपने चैप्टर जो है इन हुआ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।